Good evening everyone, a warm welcome to all of you. आज जो नाउन के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन। और ये टाइप्स ऑफ नाउन किस बेसिस पर होंगे? ये होंगे काउंटिंग के बेसिस पर। जब हम नाउन के टाइप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, तो अब ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि काउंटिंग के बेसिस पर हम नाउन के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। जब हम काउंटिंग के बेस को लेते हैं तो यहाँ पर नाउन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ अवर काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज अवर अनकाउंटेबल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग के बेस पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम जब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हैं। दरअसल इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट करने के बजाय अगर हम इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ें हम यहाँ पर सीख पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप कहते हैं जिन्हें गिन सकते हैं जिसे नहीं गिन सकते। पेन काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है। पहली बात हमने यहाँ से ये समझ ली। अब इस बात को आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो दरअसल हम सबसे ज़्यादा डिबेट करते हैं स्टार को लेकर के। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि स्टार कैसा नाउन है, स्टार काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस बात के इस डिबेट को हम यहाँ से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा एक्चुअल हम इसके कॉन्सेप्ट पर इंटर करने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि जैसे मान लिया कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर पर्संस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। मान लिया सपोज दैट ये गैलेक्सी है और गैलेक्सी में ये स्टार हैं, ये सभी स्टार हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टार कैसे हैं, नंबरलेस हैं या फिर इमेजरेबल हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैं कि हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स असंख्य हैं, अनगिनत हैं। अब इस बात को अगर यहाँ से हम कहें तो हम इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम जहाँ तक हमारी नज़र जा रही होगी हम वहाँ तक इनमें काउंटिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिनमें हम 1, 2, 3, 4 कर सकें, चाहे वो नंबरलेस हो, काउंटेबल के अंतर्गत आता है। अब इस बात को यहाँ से समझेंगे तो मैंने यहाँ पर ये बात लिखी कि जैसे मान लिया कि ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकें, कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। और ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, नहीं कर सकते। अब डिफरेंसेस तो यहाँ से पता चला, लेकिन यहाँ पर एक बात अभी भी कंफ्यूजन में है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा मिल्क और मैंने यहाँ पर लिखा 5 लीटर मिल्क ऐसे लिख लिया। अब इनमें से अगर आपसे पूछा जाए तो आप में ज़्यादातर लोग इस बात को तो अनकाउंटेबल कहेंगे बट इस बात को काउंटेबल कह देंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि बात अभी कंप्लीट नहीं है। इस बात को अगर हम और आगे चलें तो जिन्हें हम क्या करते हैं, लीटर मीटर और ग्राम में मेजर करते हैं, जिन्हें हम लीटर मीटर और ग्राम में मेजर करते हैं वो सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं।
तो इट मींस यहाँ पर जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, और 1 लीटर मिल्क या 5 लीटर मिल्क भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब ये दोनों बातें जब यहाँ से क्लियर होती हैं तब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरी बात ये आगे, पहला पॉइंट दोनों का क्लियर हो गया। दूसरी बात की तरफ अगर हम मूव करें तो इनमें हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 इन सभी का यूज कर सकते हैं, और अगर इसमें हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन का यूज नहीं करते। दूसरी बात ये क्लियर हो गई। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम आएँ तो हमने ये बात कभी पढ़ी होगी मैनी और मच को लेकर के, और हमने बात क्या पढ़ी होगी कि मैनी का यूज हम करें काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज करें अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव होते हैं, मैनी भी एडजेक्टिव है और मच भी एडजेक्टिव है। तो इट मींस यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे मैनी का, तो मैनी का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मच का यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फिर आता है, अगर इस बात को आगे कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे मान लिया सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा पेन, मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, और मैंने यहाँ पर लिख लिया आ पेन, मैंने यहाँ पर लिखा आ वाटर, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया पेन्स और मैंने यहाँ पर लिख लिया वाटर्स, तो इसका मतलब है ये तो सही है ये गलत है, ये सही है ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब बात समझ आ रही है कि ए और एन जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेंगे। इसी तरीके से प्लूरल हमने बना करके लिखा तो काउंटेबल सही हुआ, अनकाउंटेबल गलत हुआ। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम बात समझें तो हमें ये समझ आएगा कि ए और एन का यूज हम कर रहे होंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। और इसकी जगह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं आ पीस ऑफ। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हमने ये लिखा कि काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इनका प्लूरल नहीं बनता और इनका प्लूरल बनता है, तो इसका प्लूरल नहीं बनाते जबकि काउंटेबल का प्लूरल बनाते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच। अब इसमें से अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, आपके लॉजिक सही हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश के साथ दरअसल हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती है कि कोई लॉजिक हम जो कहीं पर पढ़ते हैं वही एज इट इज़ दूसरी जगह फेल हो जाता है, तो उसके पीछे का लॉजिक हमने नहीं सीखा होता है, हमने केवल एक फैक्ट पढ़ लिया होता है, उसके बियॉन्ड हमने कुछ भी नहीं देखा होता। दैट इज़ वाई हमें इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे लॉजिक को, उस पूरे कॉन्सेप्ट को डील करें जिससे हमारी इंग्लिश और इन्हेंस हो सके। तो अब ये बातें हमने यहाँ से सीखी, अब इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहली बात सीखी कि जिनके काउंटिंग स्टार्ट कर सके काउंटेबल, जिनके काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, साथ ही जिन्हें हम लीटर, मीटर और ग्राम में मेजर करें, इनमें 1, 2, 3, 4 का यूज करेंगे, इनमें 1, 2, 3, 4 का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, मैनी का यूज करते हैं, इसमें मच का यूज करते हैं, इसमें हम ए एन का यूज करते हैं, इसमें ए एन का यूज नहीं करते, उसकी जगह अगर यूज करेंगे तो आप पीस ऑफ लगा सकते हैं, इसमें इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाते। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए पहले हमारे नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंसेस। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कुछ नाउन्स जिनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला मैंने लिखा रुपी और मैंने लिखा यहाँ पर मनी। रुपी और मनी में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस क्या है वो बात यहाँ से समझें कि जितनी भी करेंसी होती है वो काउंटेबल होती है
जबकि मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो रुपी काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। रुपी है, यूरो है, डॉलर है, एन है, जितनी भी करेंसीज है सारी काउंटेबल है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम सीखें तो मैंने यहाँ पर लिखा फ़ोटो और मैंने यहाँ पर लिखा सीनरी। मैंने यहाँ पर लिखा फ़ोटो, यहाँ पर लिखा सीनरी। तो सीनरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटोज, इमेजेस एंड सो ऑन। तो इस वजह से सीनरी अनकाउंटेबल है, फ़ोटो काउंटेबल है। इसी बात को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं आगे कि पोएम काउंटेबल होता है और पोएट्री जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो पोएम काउंटेबल है, पोएट्री अनकाउंटेबल है। दरअसल जब हम पोएट्री की बात करते हैं तो इसमें जितने भी लिटरेचर के टर्म होते हैं उन सभी को मिला करके हम पोएट्री बोलते हैं। तो दैट इज़ वाई पोएट्री अनकाउंटेबल, पोएम काउंटेबल। इन द सेम बेसिस यहाँ पर मैंने लिखा पेज काउंटेबल, पेपर अनकाउंटेबल। तो पेज काउंटेबल हो जाएगा, पेपर अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा चेयर और मैंने यहाँ पर लिखा फर्नीचर। तो चेयर काउंटेबल हो गया, फर्नीचर अनकाउंटेबल हो गया। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे उसमें टेबल हो सकती, बेंच, सोफ़ा, बेड, और इन सभी चीज़ों को अगर हम एक सामूहिक नाम से इंडिकेट करें तो वो हम फर्नीचर कह सकते हैं। लेकिन रियल में फर्नीचर का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये बात यहाँ पर समझने वाली है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। बाकी इसके अलावा कुछ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एडवाइस, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया लगेज, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एविडेंस, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया मिसचीफ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया वर्क। ये जितने नाउन हैं जैसे ज्वेलरी, ये सभी नाउन हमारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देता है, आइए उन क्वेश्चंस को हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर नाउन पर आधारित हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन किए हुए हैं। उन्हें अब अगर आप वीडियो पॉज करके देखेंगे, एक बार स्वयं से कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे बन रहे होंगे। अब मान लिया वन बाय वन यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है टैगोर्स पोएट्रीज आर वेरी फेमस। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोएट्री की जगह पोएट्रीज लिख दिया गया, और जब यहाँ पर पोएट्री की जगह पोएट्रीज लिख दिया गया तो हम पोएट्री का प्लूरल नहीं बना सकते, चूँकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तो पहला करेक्शन तो हमें यहाँ पर मिल गया कि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पोएट्री। और दूसरी चीज़, ये जो आर लगा हुआ है ये इसी के लिए लगा है, पोएट्री के लिए। तो इस आर को हटाएं और इसकी जगह यूज करें एच। तो ये बनेगा टैगोर्स पोएट्री इज़ वेरी फेमस। पहले का सही आंसर पता चल गया होगा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाला देखिए, ध्यान से देखते हैं, आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर की जगह ये फर्नीचर्स लिख रहा है। अभी हमने सीखा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ए या एन यूज नहीं करते और उनका प्लूरल नहीं बना रहे होते, ये दोनों बातें हमने यहाँ से सीखी। तो वही चीज़ें यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं लिख पाएंगे, फर्नीचर होगा। इस तरीके से द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सीनरीज लिख रहा है, जो कि गलत है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे सीनरी। और ये जो आर लगा हुआ है दरअसल इसी सीनरी के लिए लगा हुआ है, तो इस आर की जगह यूज होगा इज। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। ही डिड मैनी मिसचीफ्स, मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है, मिसचीफ्स नहीं लिख पाए रहे होंगे, इसको हटाएंगे। और साथ ही इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं लगाते, यहाँ पर लगाते हैं मच। तो ये सही आंसर होगा, ही डिड मच मिसचीफ। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, तो बिल्कुल आसान सा जवाब है, वर्क को वर्क्स नहीं लिखेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा, वर्क के साथ ये मैनी लगा रखा है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मच है। यहाँ पर लिख रहा है हिज लगेज वॉज वर कैप्ट देयर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो वाज या वर लगा है इस लगेज के लिए लगाना है हमें, चूँकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो सही आंसर यहाँ पर हमारा वाज होगा, ना कि वर होगा। आइए नाउन पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ से और देखते हैं।
मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मैथमेटिक्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब अगर इसमें हमें आपसे कहा जाए प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट करनी है तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और एवरीवन नोज इट कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, हालांकि देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम आर ना यूज करके हम इसकी जगह यूज कर रहे होंगे इज का। अब ये बात कैसे हम यहाँ पर समझें, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल का सहारा लेते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल और ले लिए, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, एक वही हो गया हमारा, हमने यहाँ पर लिख लिया मैथमेटिक्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया सिविक्स, हमने लिख लिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पर लिख लिया फिजिक्स, फिजिक्स हमने यहाँ पर लिखा जिमनास्टिक्स, जिमनास्टिक्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स। यहाँ पर हमने लिखा मीजल्स, मीजल्स। यहाँ पर हमने लिखा मम्स, मम्स। रिकेट्स, रिकेट्स। ये हमने कुछ नाउन लिख लिए। अब इन नाउन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी बातें यहाँ पर कॉमन हैं और उन कॉमन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन नाउन्स में कुछ बात करें तो हमें पता चलेगा ऊपर के तीन या चार बिल्कुल सेम है, ये चार हमारे सेम है, ठीक है। इसी तरीके से ये दो हमारे सेम है, इसी तरीके से ये तीन हमारे सेम है। और कैसे सेम है वो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट का नेम है, ये सब्जेक्ट का नेम है। इन दोनों की अगर हम बात करें जिमनास्टिक्स और बिलियार्ड्स की, तो ये हमें पता चल रहा है गेम या स्पोर्ट का नेम है, गेम या स्पोर्ट का नेम है। इसी तरीके से अगर हम इसको ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, डिजीज़ का नेम हो जाएगा, डिजीज़ के नेम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप बात ध्यान से देखेंगे तो ये सभी नाउन देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये किसी न किसी सब्जेक्ट के नेम है, किसी डिजीज़ के नेम है या फिर किसी गेम या स्पोर्ट के नेम है। फॉर तो इसके इनके लिए हम लॉजिक यहाँ पर क्या देखें, तो लॉजिक हमने यहाँ पर लिखा सम नाउन्स, सम नाउन्स लुक प्लूरल, प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। तो इस बात को आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन दरअसल वो सिंगुलर होते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जिमनास्टिक्स, बिलियार्ड्स, मीजल्स, मम्स और रिकेट्स। अब ये बात अगर यहाँ से क्लियर हो गई तो इनके साथ कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे एक दो बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सभी नाउन को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखने का मतलब है इनको विद एस लिखें, मतलब ये विद एस सही होंगे या विदाउट एस सही होंगे, विद एस सही होंगे या फिर विदाउट एस सही होंगे। अब अगर इस बात को आप यहाँ से क्लियर करेंगे तो इन सभी नाउन को हमेशा एस के साथ ही लिखना होगा, विदाउट एस हम नहीं लिख सकते इनको, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो सही है, विद एस सही है, विदाउट एस गलत है। दूसरी बात एक और, अगर ये नाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए तो फिर हमें इनके लिए वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसे वर्ब यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होने वाली वर्ब सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज होने वाली वर्ब प्लूरल। तो ये सिंपल सी बातें यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पर आप सब्जेक्ट और वर्ब को उनके बीच में एग्रीमेंट रखते हैं, उनके बीच में एक कोहरेंट रखते हैं। तो कोहरेंट रखने के लिए हम जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब का हम यूज करेंगे। तो इसी तरीके से ये अगर कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए तो इनके साथ जो वर्ब हम यूज कर रहे होंगे, तो चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये दो तीन बातें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आई होप ये लॉजिक समझ आ गया होगा, अगर ये लॉजिक नहीं समझ आया तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके वर्ड्स राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिख लिया,
मैंने लिखा है यहाँ पर जिम्नास्टिक इज ऑब्लिकार माई फेवरेट गेम, फेवरेट गेम। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड, पहला हो गया ही वॉज सफरिंग, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दी मीजल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दी मीजल। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया फिजिक्स आर टॉट बाय दिस टीचर या बाय हिम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लिया, यहाँ पर इसको भी यहीं से सॉर्ट आउट कर लेंगे, दीज न्यूज आर फॉल्स। अब ये तीन चार स्टेटमेंट है, देखिए छोटे छोटे स्टेटमेंट है और बड़े आसानी से इनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो यहाँ से समझिएगा। क्या पहला लिख रहा है जिम्नास्टिक इज अब्लिक आर माई फेवरेट गेम। अब पहले तो इसको एस के साथ लिखेंगे, ये बात हमने पढ़ रखी थी। दूसरा ये कैसा है सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज यूज कर रहे होंगे, आर को हटा रहे होंगे। दूसरे वाले पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीजल्स आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सही है। तीसरे वाले में फिजिक्स तो बिल्कुल सही लिख रहा है लेकिन ये आर गलत है, इसके लिए जगह इज यूज कर रहे होंगे। न्यूज जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा इज। और उसी तरीके दीज प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, तो इसकी जगह हम यूज कर रहे होंगे दिस। तो ये बात अगर ना समझ आई हो लास्ट वाली, तो एक छोटे से स्टेप पे मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। दिस दैट दीज दोज ये हमारे चार वर्ड है, दिस दैट एक, दीज दो दूसरे। दिस दैट होते हैं सिंगुलर और दीज दोज होते हैं प्लूरल, दीज दोज होते हैं प्लूरल। तो इनके साथ लिखा जाने वाला नाउन सिंगुलर, इनके साथ लिखा जाने वाला नाउन प्लूरल। तो चूंकि न्यूज सिंगुलर है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम दिस का यूज कर रहे होंगे ना कि दीज का। तो आई होप ये लॉजिक भी आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले यहाँ पर नाउन के पॉइंट्स की तरफ। एक दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा आप उसको स्वयं अपने आप यहाँ पर सॉल्व करने की। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा ही बॉट ट्राउज़र फ्रॉम दी मार्केट। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसमें मेरे ख्याल से देखते ही आप आंसर बता दोगे कि ट्राउज़र की जगह हमें ट्राउज़र्स करने की ज़रूरत है, और जब हम ट्राउज़र की जगह ट्राउज़र्स कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक हमें यहाँ से मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब हम नाउन में नंबर की बात करते हैं, अगला जो सेगमेंट हम पढ़ेंगे वो नाउन नंबर पढ़ेंगे। तो नाउन नंबर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि नाउन दो तरीके, नाउन के अंदर नाउन में नंबर की क्वालिटी होती है, और नंबर का मतलब दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, एक वचन या फिर बहुवचन। जैसे अगर आप संस्कृत में इसी बात को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि जो वचन होते हैं उसमें तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहाँ पर दो ही होते हैं, या तो एक या तो मोर देन वन, ठीक है। तो जब एक होगा तो सिंगुलर, जब एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ से और सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ नाउन, जैसे ट्राउजर्स है, उस तरीके से हम कौन कौन से नाउन, तो मैं यहाँ पर बता ये रहा था दरअसल आपको कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो हम इस बात को ऐसे पढ़ते हैं, जब तक कोई चीज़ एक होती है तो सिंगुलर, जैसे प्लस वन होती है, एक से ज़्यादा होती है तो प्लूरल, एक के केस में सिंगुलर, एक से ज़्यादा के केस में प्लूरल, ठीक है। अब हो सकता है कि वो इंडिविजुअली एक हो, या फिर हो सकता है उसमें पार्ट्स एक से ज़्यादा हो, तो अगर पार्ट्स भी एक से ज़्यादा हैं तो भी वो प्लूरल में ही काउंट होगी, वो सिंगुलर में काउंट नहीं होगी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो इस तरीके के कौन से नाउन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं या दो पार्ट होते हैं, तो वो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ नाउन्स लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया सीजर्स, मैंने यहाँ पर लिखा बाइनोकुलर्स, BINOCULARS बाइनोकुलर्स, मैंने यहाँ पर लिख लिया ट्राउजर्स, मैंने यहाँ पर लिख लिया टोंग्स, मैंने यहाँ पर लिख लिया स्पेक्टिकल्स,
स्पेक्टकल्स, यहाँ पर लिख लिया गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पिंसर्स, पिंसर्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर वर्ड लिख लिए। अब इन वर्ड में हमें समझने की ज़रूरत क्या है, इन वर्ड में हमें समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि जो सीजर्स है इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, मान लीजिए कोई सीजर है तो इसमें दो पार्ट होंगे, दो पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीजर। तो इसी तरीके से ये इसमें दो पार्ट, इसी तरीके बायनोकुलर्स, बायनोकुलर्स का मीनिंग होता है दूरबीन, और दूरबीन में दो पार्ट का मतलब यहाँ पर दो लेंसेस से है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी दो पार्ट, टोंग्स, चिमटा, दो पार्ट, स्पेक्टिकल, चश्मा, दो ग्लास, पिंसर्स, चिमटी, दो पार्ट। तो ये सभी ऐसे नाउन हैं जो दो पार्ट से मिलकर के बनते हैं। अब ये बात तो हमने यहाँ से समझ ली, अब इनके लिए लॉजिक क्या आता है, इनके लिए लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा आता है, आसान सा आता है। लॉजिक पहले लिख लेते हैं फिर इसको आगे कैरी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सम नाउंस, सम नाउंस आर यूज्ड, यूज्ड ऑलवेज, ऑलवेज, ऐसे लिख लो, सम नाउंस आर, आर प्लूरल, आर ऑलवेज यूज्ड, आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, इन प्लूरल फॉर्म। तो कुछ नाउंस ऐसे होते हैं, मीनिंग क्या बना वो समझिएगा, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में नहीं यूज किए जाते, जस्ट लाइक सीजर्स, बाइनोकुलर, ट्राउजर्स, टांग्स, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, और भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इनके लिए भी सेम उसी तरीके के लॉजिक सीखने की कोशिश करेंगे जैसे पीछे सीखे थे। इसमें क्या है कि इनको भी हम पहले तो ये सीखें विथ एस विदाउट एस वाली कहानी, कि एस के साथ लिखें या एस के बिना लिखें, विथ एस या फिर विदाउट एस। तो पहले तो देखें इनके, इनमें चूँकि ये प्लूरल है तो इनको तो एस के साथ ही लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब विथ एस लिखेंगे, विदाउट एस नहीं लिखेंगे। तो दूसरी बात ये है कि इन नाउन, अगर ये नाउंस कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो उस केस में इनके साथ हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी। वो वर्ब हम कैसे यूज करें, सिंगुलर या प्लूरल, चूँकि पहले ये बात क्लियर कर ली कि ये नाउंस पूरे के पूरे प्लूरल हैं, चूँकि ये प्लूरल है तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इनके साथ यूज होने वाली वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी, तो इनके साथ यूज होने वाले वर्ब हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे होंगे। तो ये दोनों बातें यहाँ से हमें समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर रिमेनिंग है उसको भी समझ लीजिएगा कि ये नाउंस जो होते हैं ये हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, तो इनके साथ जब भी नंबर बताना हो तो वर्ड पेयर ऑफ का यूज करें। तो नंबर में इन्हें डिफाइन करने के लिए, नंबर में बताने के लिए, नंबर में बताने के लिए हम वर्ड कौन से यूज करते हैं, पेयर ऑफ का यूज करते हैं। तो ये अगर इन नाउंस को हम नंबर में बता रहे हैं तो उनके साथ हमें एक वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो वर्ड लगाना पड़ेगा हमें पेयर ऑफ। तो आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब हम देखिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपका वो लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं दो तीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, आई बॉट आ ट्राउजर फ्रॉम देयर। यहाँ पर मैंने लिखा सीजर वॉज ऑब्लिक वर बॉट बाई देम। एक स्टेटमेंट और लिख लिया यहाँ पर, वेयर इज माई बायनोकुलर। अब आंसर बिल्कुल आसान है और बड़े आसानी से आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए पहले वाले में अगर देखें तो ही बॉट यहाँ पर लिख रहा है ट्राउजर्स, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो पहले तो हमने क्लियर कर लिया था। दूसरे वाले पे देखिए, पहले तो ट्राउजर नहीं लिखेंगे, ट्राउजर्स लिखेंगे। अब इसके पहले लगा है आ, तो मैंने कहा था जब भी नंबर में बता, आ का मतलब यहाँ पर नंबर से है, और जब भी नंबर में बताना होगा तो हम वर्ड कौन से यूज करते हैं, पेयर ऑफ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ।
यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहले सीजर नहीं लिख पाएंगे, सीजर से लिखेंगे। जब सीजर से लिखेंगे तो वॉज और वर में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वॉज हट जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो बाइनोकुलर लिखा है, तो पहले तो ये गलत है, बाइनोकुलर से लिखें। और जब बाइनोकुलर से लिखोगे तो ये एक्चुअल में इसके अनुसार लगा है, क्वेश्चन वर्ड के अनुसार कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं आती, हेल्पिंग वर्ड अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो सब्जेक्ट इसका बाइनोकुलर्स है। चूँकि बाइनोकुलर्स है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर। तो वेयर आर माई बाइनोकुलर्स, तो ये बात यहाँ से क्लियर कर।